नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू बजाज। आषाढ़ अमावस्या बहुत खास अमावस्या है ये, और इस अमावस्या का लाभ आपने जरूर उठाना है, क्योंकि ये अमावस्या जो दो दिन तक इसका प्रभाव रहने वाला है। एक दिन पितरों के नाम से आपने कुछ खास कर्म जरूर करने हैं, कार्य जरूर करने हैं। इसे पितृ कार्येषु अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे दिन स्नान दान की, ये स्नान दान की अमावस्या भी कही जाती है। यानी एक दिन आप अपने लिए स्वयं के लिए काम कर सकते हैं, स्वयं के लिए कर्म कर सकते हैं, और दूसरा दिन जो होता है, यानी दो दिन में अगर पड़ रही है तो सेकंड और फर्स्ट डे तो आपने पितरों का काम करना है, और मतलब दो दिन में से एक दिन मतलब आपने पिताजी पितरों के लिए काम करने हैं, और दूसरे दिन आपने काम करने हैं अपने लिए। तो जो पहला दिन होगा वो दिन होगा पितरों के निमित्त का, जो दूसरा दिन होगा वो आपके स्वयं के लिए होगा। तो ये कर्म जो है इस बार आपने जरूर अच्छे से करने हैं, ताकि आपकी एनर्जी अच्छी हो, ताकि आप सुरक्षित रहें, ताकि आपके अंदर किसी भी तरीके का वहम जो है वो घर ना कर ले, और आपको कोई नेगेटिविटी, कोई डर, किसी तरीके की कोई परेशानी ना सताए। आषाढ़ अमावस्या की अगर हम बात करते हैं तो ये तिथि किस दिन से कितने बजे से पड़ने वाली है। रविवार का दिन, यानी अगर कि हम बात कर रहे हैं आषाढ़ अमावस्या जहां से शुरुआत होगी, रविवार को कह रही है कि अमावस्या पड़ेगी 18 तारीख को। लेकिन 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 17 जून को 9:12 से ये तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये 9:12 जो है वो सुबह के 9:12 है, यानी पूरा दिन आपके पास है जब पितरों के निमित्त आप काम कर सकते हैं। क्योंकि रात्रि की अगर अमावस्या की हम बात करते हैं तो ये 17 तारीख को ही रात्रि की अमावस्या आपको मिलेगी। और रात्रि में जैसे पितरों के नाम से दिया निकालना, पितरों के नाम से अन्न का दान करना, पितरों के नाम से भोजन किसी को कराना या वस्त्र दान करने, तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपने 17 को ही करनी है। लेकिन 18 की अगर हम बात करें, 18 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो 18 तारीख को ये अमावस्या तिथि जो है 10:07 पर समाप्त हो जाएगी। और ये 10:07 भी सुबह के ही है, यानी रात्रि को 18 तारीख को अमावस्या नहीं मिलेगी आपको। बट अगर कि आपको दान वगैरह स्नान की अगर के विधि करनी है, जैसे अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपने कर्म सही करने के लिए, अपनी एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए, अपनी नेगेटिविटी थ्रो करने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपनी चीजें इनहेंस करने के लिए, तो ये काम आपने 18 तारीख को करना है। अब 17 तारीख हो गया सिर्फ पितरों के निमित्त काम करने का, 18 तारीख हो गया आपके स्नान दान का। तो स्नान सबसे पहले, इसका स्नान का खास महत्व रहेगा। स्नान जो है वो अमावस्या का स्नान, वैसे तो तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान किया जाता है आषाढ़ अमावस्या का, लेकिन ये स्नान की जो प्रक्रिया है 18 तारीख को, 18 जून को जो करने वाले हैं, ये आप अपने घरों में ही पवित्र स्थानों जैसा फल लाभ आप पा सकते हैं। तो 18 तारीख को तो आपने स्नान दान की अमावस्या मनानी है, और 17 तारीख को पितृ कार्येषु अमावस्या मनानी। अब पितृ कार्येषु अमावस्या में अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, तो पितरों के लिए खास करके इस दिन दान किया जाता है, पितरों के नाम का दान किया जाता है। बहुत सारे लोगों को जैसे सपने गलत गलत आते हैं, और बहुत ज्यादा कई बार रात में इतना रेस्टलेस होते हैं कि पूरी रात उनको अपने पितृ, अपने पूर्वज दिखते हैं, और पूर्वज कभी तो उनको एक अच्छी कंडीशन में दिखते हैं कि संतुष्ट है, कई बार उन्हें बहुत ही विचलित रूप में उनको उनके पितर दिखते हैं, जैसे कुछ मांग रहे हो, उनको भूख लगी हो, वस्त्र नहीं हो शरीर पे। आपने देखना कभी कई बार पितरों के ऐसे सपने आते हैं कि पितर तो दिखे लेकिन ऐसे चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, नंगे पाँव हैं। तो ध्यान रखिएगा, फुटवेयर उनको आपने, उनके फुटवेयर जैसे पिताजी या आपके नहीं है, या आपके दादाजी नहीं है, या आपके दादी जी नहीं है, या आपके मैया नहीं है, माँ नहीं है, तो ऐसे करके जो भी वो फुटवेयर जो इस्तेमाल करते थे, जिस तरीके के शूज पहनना उन्हें पसंद होते थे, जिस तरीके की चप्पल उन्हें पहनना पसंद होती थी, तो वैसे फुटवेयर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान में देने हैं जिन्हें बाकी ही लगता है आपको कि जरूरत है इसके फुटवेयर की।
तो अगर आपको नंगे पांव चलते हुए कभी भी सपने में पितराते हैं तो आप फुटवेयर का दान जरूर कर दीजिए और ऐसे लोगों को कीजिएगा। लेकिन वहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, दान तो हम ऐसे ही लोगों को करते हैं जिनकी जरूरत है, लेकिन हम यहाँ क्वालिटी में बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। यानी अपने खुद के लिए पहनने में तो बहुत अच्छी क्लासी वाली चीजें लेते हैं, लेकिन जब हम ये अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं और उन पितरों के निमित्त का दान करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लेकर के आज आप बैठे हुए हैं, जिनके बिजनेस लेकर के आज बैठे हैं, आज करोड़पति बने हुए हैं आप, लखपति बने हुए हैं, लेकिन उनके लिए एक ढंग की क्वालिटी की चीज आप नहीं दे पाते, ये ध्यान रखना। जैसी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं ना, वैसी ही चीजों का दान कीजिएगा, वरना मत कीजिए, नहीं कीजिएगा। अगर इतना आपके अंदर भेदभाव की सिचुएशन है, मन के अंदर इस तरीके का भेदभाव है, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों को उल्टा खराब करते हैं। तो या तो दीजिएगा अच्छी क्वालिटी की दीजिए, या फिर शांत रहिए, घर में बैठिए, ऐसे ही ध्यान कर लीजिए। लेकिन आपने अगर इस तरीके के सपने आते हैं तो ये जरूर दान मिले। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके पितर वस्त्र नहीं पहने हुए आपको दिख रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि आप देखते हैं नग्न अवस्था में आपके पितर आपको दिख सकते हैं। देखिए, अब किसी भी तरीके से वो आपको दिख सकते हैं, संकेत तो वही देते हैं ना, लेकिन इन संकेतों को आपने पहचानना जरूर है। अगर आपको दिखते हैं पितर नग्न अवस्था में, तो वस्त्र दान जरूर कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि पितृ अमावस्या है, पितृ कार्येषु अमावस्या, हम सिर्फ अन्न ही दान करेंगे, हम अन्न नहीं पका सकते, हम तो बना बनाया ही दान करेंगे जी, जो आपकी सहूलियत आप उसके हिसाब से दान कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने संकेत दिए हैं आपको, अगर आपको वो एक कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आप उन्हीं को वही चीज दीजिए ना। वस्त्र अगर आपको लग रहा है कि निर्वस्त्र है आपके पितृ आपको सपने में दिख रहे हैं, तो आपने वस्त्र का दान देना है, और वैसे अच्छे वस्त्र का दान देना है, जैसे वस्त्र आप भी अच्छी क्वालिटी के पहनते हैं। किसी ऐसी महिला पुरुष को ये दान दीजिए, अगर महिला सपने में दिखे वस्त्र नहीं है उनके पहने हुए, ओढ़े हुए हैं, जैसे माताएं के बाद दिखती है कि दुपट्टा नहीं दिखता है, कपड़े पहने हुए लेकिन दुपट्टा नहीं है, तो आपने पूरा एक सेट किसी भी महिला को दान में दे देना है वस्त्रों का। और अगर आपको पुरुष ऐसी अवस्था में दिखते हैं, तो किसी भी पुरुषों को, जरूरतमंद पुरुषों को ये दान आप दे सकते हैं। और अगर अन्न की बात होती है तो आप अन्न ही दान दीजिए, फिर आप इधर उधर ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं होती, फिर आप इधर ऑप्शन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर अन्न मांग रहे हैं तो आपने अन्न का ही दान देना है। लेकिन कई बार ध्यान रखिएगा, आपके पितर आपको गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, आपके पूजा स्थान पे, आपके धर्म स्थान पर दिखते हैं, बार बार दिखते हैं आपको कि कहीं पूजा स्थान में बैठे हुए, कहीं मंदिर में बैठे हैं, कहीं गुरुद्वारे में हैं, कहीं मस्जिद में हैं, कहीं आपके चर्च में हैं, तो यानी आपके धर्म स्थान पर अगर आपको आपके पितर दिखते हैं और बार बार दिखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये संकेत भी कोई आपको अच्छे कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। यानी आपने कोई ऐसी मान्यता मांगी है जो आपने पूरी नहीं की है। मे भी हो सकता है आपने सोचा होगा कि अनुष्ठान कराएंगे हम उनके नाम का, तो आपने नहीं कराया। हो सकता है आपने सोचा होगा कि हम कुछ लोगों को अन्न का दान देंगे और हम पूजा पाठ भक्ति कराएंगे, या उनके नाम का कोई संकल्प लेते हुए आप कोई सप्तशति कराएंगे, या फिर कोई किसी भी तरीके का कोई पाठ वाठ कराएंगे, आप सुखमनी पाठ कराएंगे, या किसी तरीके का गया इस तरीके की चीजें, अगर आपने कहीं मन्नत मांगी है, मान्यता मांगी है, तो वो आपको संकेत दे रहे हैं कि आप ये सारी जो मान्यता आपने मांगी है उसे पूरा कर दीजिए, तो बार बार आपको ना दिखे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये उपाय जरूर कीजिएगा। रही बात 18 तारीख की, स्नान की अमावस्या है, तो कहीं भी पवित्र स्थानों का जल लीजिए, जल डाल करके ही आप उस जल से ही स्नान कीजिए, ताकि आपको भी पवित्र स्थानों जैसा स्नान किया हुआ ही आपको लाभ जो है वो मिल सके। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।